सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम है पात्रिक टुप्पा और स्वागत है अपने पात्रिक भाई यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम लोग कुछ काम से बंगाल जा रहे हैं और अभी हम लोग टाटा जमशेदपुर में हैं। देख सकते हैं इधर का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है गाइज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टाटा जमशेदपुर का नज़ारा और साथ में बंगाल का नज़ारा, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग बंगाल जा रहे हैं तो आप बंगाल का नज़ारा तो दिखाना तो बनता है गाइज। दोस्तों, आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर देना गाइज। तो गाइज, अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और अभी सुबह के 3 बजे हैं गाइज, और अभी रात का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक से पूरा एरिया दिखाई भी नहीं दे रहा है और काफ़ी कम गाड़ियां अभी चल रही हैं क्योंकि सुबह में ज़्यादा गाड़ी सब नहीं चलती है। और इधर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ लाइट भी लगाया है रास्ते में, तो मेरा मोबाइल में इतना खास मतलब अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा गाइज। सामने से गाड़ी आ रही है तो पूरा मोबाइल में मतलब वाइट सा कलर आ जा रहा है। और रास्ता दोस्तों काफ़ी अच्छा है और अभी खाली रास्ता है तो काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों ऐसा खाली रास्ता में गाड़ी चलाने के लिए। और यहाँ मेरे बगल में ड्राइवर जी हैं, मैं गाड़ी तो नहीं चलाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग अपनी गाड़ी में तेल डलवा लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों, अभी भी सुबह नहीं हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग पेट्रोल पंप में पहुँचे हैं। अभी हम लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, यानी डीजल, पेट्रोल नहीं, डीजल भरवा रहे हैं। दोस्तों, डीजल भरवाने के बाद अब हम लोग अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुके हैं और अभी देख सकते हैं हल्का हल्का भोर हो रही है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है गाइज। अभी भोर का नज़ारा देख सकते हैं और चारों तरफ कितना खूबसूरत लाइट दिखाई दे रही है गाइज। और शहरों का नज़ारा दोस्तों काफ़ी अलग सा लगता है, हमारे गुमला शहर में तो ऐसा नज़ारा देखने को कभी मिलता ही नहीं है। तो आज हम लोग दूर जा रहे हैं तो इधर का नज़ारा भी देख रहे हैं, काफ़ी अलग सा लग रहा है। दोस्तों, ये सामने मेरे बायां साइड यहाँ से रांची वाला रास्ता है और इधर जमशेदपुर वाला रास्ता, तो अभी हम लोग दहिना साइड की ओर जा रहे हैं गाइज। अब लोग वीडियो को पोज करके दिखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ रास्ता क्योंकि अगर आप लोग भी बंगाल जाना चाहते हैं इस रास्ते से तो कभी इधर उधर भटके। तो गाइज, अभी तक सूरज नहीं निकला है, सुबह तो हो गई है और अभी हम लोग दोस्तों बुंडू तमाड़ पहुँचे हैं और देख सकते हैं इधर का व्यू, सामने बड़ी ऊँची ट्रक जा रही है, हाईवे वाला ट्रक है और देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे ट्रक सब इस रास्ते में जाते हैं क्योंकि ये हाईवे वाला रास्ता है गाइज, इसलिए इतनी बड़ी और लंबी लंबी ट्रक सब इस रास्ते में चलती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दूर आने के बाद अभी सूरज दिखाई दे रही है, देख सकते हैं इसको हम लोग अपनी भाषा में बोंगा बोलते हैं हंसी वो लगता है। तो गाइज, देख सकते हैं सूरज निकल चुकी है और हम लोग रास्ते में ही हैं, तो चलिए आप लोगों से बातें करते हुए जाते हैं। तो चलिए आप लोग म्यूजिक सुन लीजिए पहले।
देखिए दोस्तों, अभी सूरज धीरे धीरे निकलते ही जा रही है और चमकने लग रही है। देखिए, देख सकते हैं काफ़ी तेज से चमक रही है गैस। देखिए अभी हमारे सामने सूरज है, देख सकते हैं गैस। आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ गैस, यानी कि सूर्योदय। तो गाइज अभी हम लोग चंडील से होते हुए पाटन जाएंगे, फिर पाटन से उधर पता नहीं क्या क्या गांव का नाम है, तो आप लोगों को वीडियो पे आगे बता ही दूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो अभी तक नहीं सब्सक्राइब करो, कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई को सपोर्ट चाहिए गाइज, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है, एक एक सपोर्ट मेरे लिए मायने रखता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं रास्ता बन ही रहा है, इधर सामने काफ़ी बड़े बड़े रास्ते हैं, देख सकते हैं बड़े बड़े बुलडोजर सब भी हैं। और देखिए गाइज शहर का नज़ारा आप लोगों को आज मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइज सामने अभी टोल बन रही है, यानी राजमार्ग में जो कोई भी गाड़ी यहाँ से पार होगी तो उसे टैक्स के रूप में पैसा ले लिया जाएगा, यानी काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करने वालों से पैसा लेते हैं ये टोल से। और ये देख सकते हैं पहाड़ों से धुआं उठ रही है गाइज, और अभी सुबह का नज़ारा देखिए काफ़ी प्यारी लग रही है। और जैसे सुबह हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ का क्वालिटी मतलब नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। और ये है दोस्तों न्यू टोल, जो कि हर एक गाड़ियों से पैसा टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अभी बन ही रही है, तैयार नहीं हुई है, जैसे तैयार हो जाएगा वैसे ही यहाँ पैसा। तो दोस्तों अब हम लोग बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के सामने पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहीं से हम लोगों का झारखंड का सीमांत अंत होती है और शुरू भी होती है, और इधर बंगाल का सीमांत शुरू होती है गाइज। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बंगाल का शहरों का नज़ारा दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज ये है बंगाल का शहर, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाइज। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रही है, मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मैं अपने आँखों से ही देख रहा हूँ और साथ में आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ गाइज। और देख सकते हैं काफ़ी प्यारी है, यहाँ टाउन सा लग रहा है मुझे, और इधर बस भी चलती है गाइज, देख सकते हैं सामने सामने बस चल रही है। और इधर मैं आप लोगों
दुकान का नज़ारा दिखा रहा हूँ। काफ़ी भीड़ भड़का है, दुकान सब देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज यहाँ का नज़ारा। गाइज अभी हम लोग बंगाल के बंदुआन बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे लोग हैं और ये शहर ही है गाइज, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भड़का लगी हुई है और सामने बस स्टैंड भी है। गाइज आपको बासाबुरु जाने के लिए बंदवन चौक से लेफ्ट की ओर मुड़ना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, और अभी हम लोग बासाबुरु के लिए निकल चुके हैं गाइज, देख सकते हैं रोड में काफ़ी भीड़ भड़ाकर लगी हुई है। गाइज अभी हम लोगों को दैना की ओर जाना है बासाबुरु गांव के लिए। गाइज देख सकते हैं बंगाल का घर का छत का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और देख सकते हैं यहाँ सामने दो बैलों को रस्सी से खूटा गया है गाइज, काफ़ी प्यारी लग रही है दोनों बैल। और गाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर और देख सकते हैं जंगल के बीचों बीच में रास्ता है और दोस्तों सामने गांव दिखाई दे रहा है और यहाँ देख सकते हैं इस गांव का घर का नज़ारा भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी प्यारी लग रही है गाइज ऐसे गाँव जंगलों के बीचों बीच में। और पता नहीं यहाँ गर्मी तो नहीं लगती होगी क्योंकि ऐसे जंगलों के अंदर हवाएं काफ़ी चलती रहती हैं और देख सकते हैं गांव देहात के ही लोग हैं गाइज, देखने में भी समझ आ गया कि ये कि गांव घर यानी गांव देहात ही है। और दोस्तों सामने देख सकते हैं यहां का व्यू काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे, आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए।
तो गाइज आज हम लोग जिस काम से निकले थे उस जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग बंगाल के बंदवन बासाबुरू गांव में हैं और अभी हम लोग बैद के पास आए हैं। तो आज शायद बैद जी का आश्रम बंद है गाइज। यहाँ हम लोग पता नहीं था कि बृहस्पतिवार को बंद रहता है और वहाँ बड़ा बड़ा अक्षरों में भी लिखा हुआ है और इधर बंगाली भाषा में सारा कुछ लिखा हुआ है तो समझ भी नहीं आता है। यहाँ पे हिंदी से भी लिखा हुआ है और ये यहाँ का आश्रम है। बैठने के लिए अच्छा से बनाया गया है और यहाँ पे लाइन लगते हैं। अस्पताल की तरह है यहाँ बड़ा घर और इधर गाड़ी सब पार्क करने के लिए बनाया गया है। हम लोग सुबह लगभग 3 बजे निकले थे और अभी पहुँचे हैं 9 बजे। लगभग 6 घंटा हो गया गाइज। अब देखते हैं उतना दूर से आए हैं झारखंड से वो भी बंगाल तो पूछ के ही जाएंगे। इतना दूर से आना जाना काफ़ी भाड़ा खर्च हुआ है गाइज। लगभग 4,500 का तेल भरवाए हैं फिर यहाँ आए हैं बंगाल। तो अब देखते हैं कोई मिलेंगे तो उससे पूछेंगे फिर क्या होता है। आप लोगों को सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। काफ़ी सैड सा लग रहा है यानी नर्वस सा फील हो रहा है लेकिन क्या करें इतना दूर से आए हैं पैसा खर्च करके और जिस काम से आए हैं वो काम भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। वापस ऐसे ही लौटना पड़ेगा। देखते हैं जो कुछ भी होगा अब तो ऊपर वाले का भरोसा है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं अपने घर से यहाँ बंगाल तक का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो मेरा वीडियो के थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ का भाषा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोलते हैं बंगाली भाषा में। यहाँ पे सब पे बैठे हुए हैं ये हैं हमारे ड्राइवर जी और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया शांति बनाए रखें कीप साइलेंट। और हमारे यहाँ नानी जी हैं मौसी जी हैं और इधर चाचे जी हैं अंदर गए हुए हैं। देखते हैं वो क्या खबर लेके आते हैं बाहर। और हमारे गाड़ी इधर खड़ी की है इतना अच्छा से यहाँ पे पार्किंग के लिए बनाए हैं। गए थे उधर बोला कोई नहीं है। काफ़ी गर्मी लग रही है बाहर से नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हॉस्पिटल की तरह बनाया गया है कितना बड़ी सी है ये इमारत। और इधर का घर ना सबका घर का छापरा काफ़ी ऐसा क्या बोलते हैं मतलब ढालन सा बनाया गया है यहाँ का छापरा। हम लोग अपने भाषा में खपरा बोलते हैं पता नहीं यहाँ बंगाली भाषा में क्या बोलते हैं। आप लोग झारखंड के हैं तो ज़रूर समझते होंगे। यहाँ घर का छत का नज़ारा देखिए काफ़ी सुंदर और छोटा छोटा इधर का घर है सब कुछ का छोटा छोटा घर। हम लोग निकले बासाबुरू से पोकट हो गया आज हम लोग काम नहीं बना आता है करके भोली हुआ थी मोबाइल वाले दूसरा को दी का वो ड्राइवर का ये सब होगा गाड़ी बीच का वही लोग का होगा वो अपना पर्सनल गाड़ी रखा होगा इधर उधर कभी आना जाना करता होगा तो यही झारखंड यहाँ से झारखंड स्टार्ट होता है बंगाल खत्म हो झारखंड में आपका स्वागत है। यह है बॉर्डर। गाइज अभी तक आपने मेरे वीडियो पे बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाए।